Assalamualaikum, dear student. My name is Muhammad Kamal, and today I will teach you science of class 6. So, first of all, I will tell you what is the science process is. As you know, whenever we are going outside, we see many things, trees and cars, buildings, etc. Every natural thing has their own science. Har cheez individually science karti hai. So science ka meaning kya hai? Science means knowledge, but where from it came? Science came from Latin word that means knowledge. So science का meaning क्या हुआ? Knowledge, किसी चीज को जानना. अब साइंटिस्ट क्या करते थे, इस साइंस को यूज करते हुए बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है वो साइंस प्रोसेस स्किल्स की बुनियाद पर हो रही है. अब साइंस किसी भी चीज़ को जानने के लिए वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके, इन सेंसेस का इस्तेमाल करके वो आगे फर्दर काम किया करते थे. लेट सपोज मेरे पास एक क्वाइन है, तो अगर मैं एक क्वाइन की बात करता हूँ तो वो क्वाइन कुछ इस तरह से हो सकता है. अब उस क्वाइन को मैंने साइंस प्रोसेस स्किल के जरिए जानना है. उसका जो पहला दो आपके पास स्टेप है वो है ऑब्जर्विंग. ऑब्जर्विंग मीन्स आप किसी चीज को ऑब्जर्व करें सेंसेस यूज करके. हाउ मैनी सेंसेस आर? 5 सेंसेस दैट वी हैव टू यूज. आई टू सी, स्किन टू टच, nose to smell, ear to hear, tongue to taste. अगर ये क्वाइन है तो इस क्वाइन को मैंने जब ऑब्जर्व करना है तो किस तरह मैं ऑब्जर्व करूंगा? सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि आई के जरिए ऑब्जर्व करूंगा कि ये किस तरह है. ये राउंड है और इट मे बी सिल्वर. सो एंड इट हैज अ शाइनी सिल्वर एंड शाइनिंग. आई हैव रिटन हियर दैट इट इज़ अ राउंड सिल्वर एंड शाइनिंग. अगर मैं इसको स्किन के जरिए टच करूँ इस क्वाइन को, तो टच करने पर मुझे पता चला कि ये स्मूथ है और ये हार्ड भी है. ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी. अब नोज के जरिए जब मैं इसको स्मेल करूँगा तो मुझे इसकी जो स्मेल आएगी वो मेटैलिक स्मेल आएगी. जैसे कि आप जानते हैं कि ये मेटैलिक है, तो इसमें अगर मैं आगे इसको डिवाइड करूं एयर के जरिए मैं हेयर करूंगा. अब देखें क्वाइन तो सिंपली कोई साउंड नहीं दे रहा. जब मैं इसको किसी मेटेलिक चीज़ के जरिए टच करवाता हूं तो साउंड देता है. इट्स मीन इट विल प्रोड्यूस साउंड आफ्टर टचिंग एनीथिंग. टर्न टू टेस्ट. अब जुबान के जरिए आपने टेस्ट करना है कि कैसा है. So it has no taste as data point है. So ये सारे 5 जो इसके steps हैं आपने याद रखने हैं कि ऑब्जर्विंग में ये चीज़ें करनी पड़ती हैं. ऑब्जर्व में आप इन चीज़ों को यूज़ करके ही फर्दर नेक्स्ट स्टेप पर आप आ सकेंगे. जो दूसरा है मेजरिंग. मेजरिंग मीन्स किसी चीज़ की पेमाइश करना, किसी चीज़ को अच्छे तरीके से जानना कि कितना सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, इसकी वेट कितनी है और इसकी लेंथ कितनी है, तो इसके ज़रिए हम उसको जान सकेंगे. लेकिन हमारे पास काफ़ी तरीके हैं इसको, जैसे कि मीटर रूल है, रूलर है और मनेट कैलिपर्स है. तो इसी तरीके से बहुत से ऐसे भी हैं, मेजरिंग टेप भी है. तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि इस क्वाइन को मैं मेजर करूँ वर्नियर कैलिपर के जरिए या मिडिल रूलर के जरिए, तो मुझे जो बेस्ट लगेगा वो वर्नियर कैलिपर है, बिकॉज इट गिव्स 0.01 सेंटीमीटर तक ये आपको करेक्शन दे सकता है. तो आप वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हुए इस क्वाइन की मेजर कर सकते हैं. तो जस्ट नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है क्लासीफाई. क्लासीफाई मीन्स
इनको सिमिलरिटीज और डिफरेंस की बुनियाद पर क्लासीफाई करना कि इसमें सिमिलरिटीज क्या है। अगर मैं एक क्वाइन लेता हूँ और क्वाइन बहुत सारे क्वाइंस हैं तो किसी की शेप्स डिफरेंट होगी लेकिन वो राउंड ही होंगे, तो सिमिलरिटीज़ क्या है, राउंड है, तो मैंने इनको सिमिलरिटीज़ की बुनियाद पर एक जैसे क्वाइंस को इकट्ठा कर लिया। इनफेरिंग ये है मॉडिफाइड फॉर्म है, इनफेरिंग क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म है ऑब्जर्विंग की। फर्ज करें कि एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर मैंने कोई ऐसी चीज़ रखी हुई है तो मैं उसको देख रहा हूँ, अब बॉक्स के अंदर पड़ी हुई चीज़ वो मैं देख रहा हूँ बाहर से, तो जस्ट आई एम ऑब्जर्विंग दैट ये अगर क्वाइन पड़ा हुआ है या कोई और चीज़ है तो वो कैसी है, लेकिन जब मैं उस क्वाइन को निकालूंगा उस बॉक्स से और जब टेस्ट करूंगा तो वो इनफेरिंग में आ जाएगी। पहले मैं क्या कर रहा था, उसको देख रहा था, लेकिन जब मैंने उसको निकाला, ऑब्जर्व किया, मैंने माइक्रोस्कोप का यूज़ किया या किसी दूसरे स्केल का यूज़ किया, तो मैंने ये जाना कि ये इन्फायरिंग में आ गया। तो लास्ट में हमारे पास है प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन के आगे भी है कि आप इसको शेयरिंग करें दूसरों के साथ। प्रिडिक्शन में आपने ये प्रिडिक्ट करना होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमें पहले पता चल जाता है कि बारिश होनी या नहीं होनी, कुछ चांसेस हैं या नहीं है, तो प्रिडिक्शन में ही आता है। तो प्रिडिक्शन को जब हम यूटिलाइज करते हैं तो किस तरह से करते हैं, देखिए करंट ऑब्जर्वेशन पास्ट एक्सपीरियंस ये लिख लें आप अपने पास कि प्रिडिक्शन को जो ये फॉर्मूला है वो किस तरह का है, करंट ऑब्जर्वेशन और पास्ट एक्सपीरियंस वो आएगा आपके पास फ्यूचर के। मैंने ये देखा कि बर्फ़ पानी में चेंज होती है, आइस मेल्ट टू वाटर, बट लेकिन जब मैं आइस को रखूँगा किसी टेबल पर तो ऑब्वियसली ये किस में चेंज हो जाएगी, वाटर में चेंज हो जाएगी। सो इट इज़ अ स्मॉल प्रिडिक्शन दैट यू कैन यूज इंडिविजुअली। सो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज फिजिकल क्वांटिटीज। सो डियर स्टूडेंट, व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज, अ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर इजीली, दैट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। आप किसी रेट के ज़रात को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको काउंट करने के लिए जैसे कि हम शुगर को काउंट नहीं कर सकते, लेकिन इसको मेजर कर सकते हैं, हम केजी में इसको डिवाइड किए हुए इसके यूनिट्स को मीटर और एम्पेरिकल और मैट्रिक यूनिट में हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं कोई फ्रूट्स वगैरह लेने जा रहा हूँ, उसको भी हम किस तरीके से मेजर करते हैं, किसी तराजू के ज़रिए या बैलेंस बीम के ज़रिए हम उसको मेजर करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ में आपके पास लेंथ, मास, टेम्परेचर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी ईटीसी, ये सारी जो हैं आपके पास आ जाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ में। सो फिजिकल क्वांटिटीज़ में हमारे पास जो नेक्स्ट हैं एम्पेरिकल और मैट्रिक। एम्पेरिकल अगर फर्ज करेंगे, एम्पेरिकल यूनिट ऐसे यूनिट्स हैं जिसमें हम ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं, जैसा कि बुक में दिखाया गया है कि अगर ये लेंथ है तो लेंथ को मैंने डिवाइड कर दिया है इंच में और फुट और माइल्स में। एम्पेरिकल यूनिट में हम इंच, फुट और माइल्स का यूज़ करते हैं, लेकिन मैट्रिक यूनिट के सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स में इस्तेमाल किया जाता है कि पहले, इससे पहले जो है हम इंच को भी यूज़ करते थे, फुट को, माइल्स को भी यूज़ करते थे, लेकिन इससे हमें बहुत से नुकसान हो रहे थे। कैसे नुकसान, कि अगर मैं ये करूँ कि मैं किसी चीज़ के लिए फिक्स क्वान्टिटी नहीं रखता कि इसके लिए फिक्स क्वान्टिटी है मेजर करने के लिए, तो मैंने उसके डिफरेंट यूनिट्स ड्राइव कर दिए इंच, फुट और माइल्स में। अगर फर्ज करेंगे एक लेंथ है, उसको मैंने मेजर करना है, फुट में मेजर किया, लेकिन उसकी एक क्वांटिटी दूसरी भी है, इंच भी है, लेकिन उसको अगर मैं नाम दे दूँ ये किस में आ गया, लेंथ में आ गया यूनिट्स, तो लेंथ यूनिट बेसिकली मैट्रिक यूनिट में ही हम यूज़ करते हैं। सो मैट्रिक यूनिट हमारे पास ऐसा ही इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि अब बेसिकली पाकिस्तान में ज़्यादातर ये यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। सो आई होप आपने ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से सीखी होंगी कि साइंस क्या है
कि जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि साइंस हैज एवरी नेचुरल थिंग हैज ऑन देयर साइंस, बट हाउ टू मेजर द साइंस, दीज आर द साइंस प्रोसेस स्किल्स एंड द नेक्स्ट इज फिजिकल क्वांटिटीज. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लेंथ. इन द लेंथ यू कैन सी दैट मिलीमीटर, किलोमीटर एंड दीज आर द लेंथ मेजरिंग यूनिट्स. The next topic is measuring instrument and limit of accuracy. What are the measuring instrument and what is the limit of accuracy? Measuring instrument ऐसे instrument होते हैं जिस किसी चीज़ को हम measure करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. मैंने आपको पहले भी बताया था कि measuring instrument में मैंने दो instrument use किए थे. First हमारे पास vernier calipers था और second हमारे पास meter ruler था. So मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में अगर हम शॉर्ट लेंथ की बात करेंगे तो हम मीटर रूलर को यूज़ करेंगे. अगर हम मैं ये चाह रहा हूँ कि किसी चीज़ की शॉर्ट लेंथ को मेजर करूँ तो मीटर रूलर को यूज़ करूँगा. और अगर मैं लॉन्ग लेंथ के लिए किसी चीज़ को यूज़ करना चाह रहा हूँ तो वो होगी टेप मेजर. आप टेप मेजर के लिए किसी भी लॉन्ग लेंथ को मेजर कर सकते हैं. अगर किसी चीज़ का आप इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर मालूम करना चाह रहे हैं तो फिर आप वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ करेंगे, क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स हमें बिल्कुल ही एक्यूरेट लेंथ देता है किसी चीज़ की मेजर करने के लिए. तो जब लिमिट ऑफ एक्यूरेसी की बात होती है तो लिमिट ऑफ एक्यूरेसी मीन स्मॉलेस्ट लेंथ दैट कैन बी मेजर एक्यूरेटली. स्मॉलेस्ट लेंथ होगी जो हम किसी चीज़ को मेजर कर सकें तो वो एक्यूरेट हमें रिजल्ट दे. उस पर थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो उसमें हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं. तो अगर मीटर रूलर हमें 0.1 सेंटीमीटर एक्यूरेट लेंथ देता है तो हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर्स है वो हमें 0.01 सेंटीमीटर तक एक्यूरेसी दे सकता है. इसी तरह जो हमारे पास मास है वो मास हमारे पास क्या हो सकता है. हमने डिफरेंट इसकी डेफिनेशंस पढ़ी हैं लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक इंडिविजुअल डेफिनेशन बताऊँगा. अमाउंट ऑफ मैटर, मैटर की अमाउंट कंटेन बाय एन ऑब्जेक्ट, जो कोई ऑब्जेक्ट उसको कंटेन करता है. सो मैथ की क्या है आपके पास डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन बाय एन ऑब्जेक्ट. और मैथ को हम किलोग्राम में भी ग्राम में भी इसको मेजर करते रहते हैं. और फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, सबसे पहले मैंने इसी को ही बताया था, इसको एक्सप्लेन किया था कि फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं इजीली. और उसमें हमारे पास टेम्परेचर, मास, लेंथ और लिमिट्स इंटेंसिटी की किसी, ये सारी हमारे पास ये थी फिजिकल क्वांटिटीज. तो फिजिकल क्वांटिटीज में जो टाइम है, टाइम को हम अक्सर मेजर करते हैं, इसका जो यूनिट है वो है सेकंड. और अगर हम इसके फर्दर यूनिट्स की बात करें, सेकंड, फिर मिनट्स, फिर आवर में इसको डिवाइड कर देते हैं. और इसी तरह लिमिट ऑफ एक्यूरेसी ऑफ टाइम इज डिफरेंट इन स्टॉप वॉच. हर स्टॉप वॉच में लिमिट ऑफ एक्यूरेसी डिफरेंट है. इसी तरह अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं. टेम्परेचर का जो यूनिट है वो है केल्विन. और ये हम मेजर कर सकते हैं किसी चीज़ की इंटेंसिटी को. इंटेंसिटी मीन्स कितना कूलनेस है इसमें, कितना हॉटनेस है. अगर ये चीज़ कितना कूल है तो हम इसके लिए टेम्परेचर को ही इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन हम इसके बाहर तौर पर इंटेंसिटी को चेक कर रहे हो. और इसी तरह अगर वॉल्यूम को देखा जाए तो वॉल्यूम जो है वो अमाउंट ऑफ स्पेस टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट है. अमाउंट ऑफ स्पेस है टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट कितना अमाउंट, कितनी स्पेस वो घेर सकता है. तो 1 क्यूबिक मीटर आपको पता होना चाहिए कि 1 क्यूबिक मीटर हमारे पास 1 मिलीलीटर के बराबर होता है. और 1000 ml = 1 लीटर एंड
एंड 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर, इसको हम मीटर क्यूब में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एन एग्रीड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट से पहले लोग कैसे चीज़ों को मेजर करते थे। यू विल सरप्राइज दैट लोग ह्यूमन बॉडी को यूज़ करके चीज़ों को मेजर करते थे। जैसा कि किसी चीज़ की पैमाइश करनी है तो वो या तो फूट का इस्तेमाल करते थे या तो अपने हैंड का इस्तेमाल करते थे। इसी तरह डिफरेंट चीज़ों के लिए ह्यूमन वैल्यू टू ह्यूमन कल्चर एंड इट्स डिपेंड्स ऑन देयर सोसाइटी। और ये इस चीज़ पर मुनसिब था कि हम किसी तरह किस तरह जो है मेजर कर सकते हैं। लेकिन 1960 में एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट पर एक स्टैंडर्ड सिस्टम क्रिएट किया गया कि हम जो है चीज़ों को किस तरह मेजर करेंगे, और इसने हमारी तमाम मुश्किलों को दूर कर दिया। जैसे कि हम किसी चीज़ को मेजर करना चाहते हैं तो ये अब देखिए कि मेरे फुट का जो साइज़ है वो डिफरेंट होगा, किसी दूसरे फुट का साइज़ डिफरेंट होगा, तो ये बिल्कुल इसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाएगी। और अगर मैंने कोई चीज़ को किसी चीज़ को मेजर करना है तो मैं हर जगह अपने फुट को तो इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसी तरह अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में आपके पास सिंपल बैलेंस था जो इसको लोग यूज़ करते थे, सिंपल बैलेंस को किसी चीज़ को मेजर करने के लिए, और फुट को इस्तेमाल करते थे एज अ मेजरिंग टेप। अब हमारे पास मेजरिंग टेप आ गई, लेकिन पहले इससे पहले लोग जो इस्तेमाल करते थे वो फुट को इस्तेमाल करते थे, और स्टॉप वॉच के बदले सनिटेल को इस्तेमाल किया जाता था, और थर्मोमीटर की जगह हम अपने फिंगर के इस्तेमाल करते थे कि ये हॉट है या कोल्ड है। जैसे कि किसी का टेम्परेचर चेक करना है तो हम अपने फिंगर का इस्तेमाल करते थे। तो अभी तो हमारे पास जदीद ये चीज़ें आ गई हैं कि हम थर्मोमीटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी तरह दूसरे भी मेजर करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स ने 1960 में ये कॉन्फ्रेंस की, और इसमें हमें जो है ये डिफरेंट यूनिट्स बताए कि ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ होंगी तो हम यूज़ करेंगे। ये हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, और मैं यहाँ पर नेम ऑफ यूनिट लिखूँगा और इसका सैंपल भी साथ में आपको बताऊँगा। तो अब जो है ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट जो 1960 में एक कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ें सारी बताई गई थी कि हम इसको भी ये स्टैंडर्ड हैं, ये ओवरऑल हर जगह ही इसको इस्तेमाल किया जा सकेगा इजीली। तो लेंथ का जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली क्या है, मीटर है। नेम ऑफ यूनिट इज मीटर और इसका सिंबल एम। मास किलोग्राम में इस्तेमाल करते हैं, इसका यूनिट केजी है। टाइम का हम इसको टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट टी से करेंगे और इसको इसको हम टाइम भी लेंगे, और इसी तरह इसको टाइम की जगह सेकंड ले सकते हैं आप। टेम्परेचर को टेम्परेचर में हम ये देखेंगे कि ये केल्विन है या फारेनहाइट है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो हमारे पास केल्विन है। इसी तरह जो टाइम है, टाइम का नेम ऑफ यूनिट है सेकंड, और सेकंड को हम स्मॉल एस से लिख सकते हैं। टेम्परेचर का जो यूनिट है वो हमारे पास केल्विन है नेम ऑफ यूनिट, और केल्विन को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर के नेम ऑफ यूनिट से जाना जाता है, और इसको ए एज अ सिंबल के तौर पर लिखते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं नेम ऑफ यूनिट, और सिंबल के तौर पर एम ओएल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला नेम ऑफ यूनिट है, और इसकी शॉर्ट फॉर्म सी ए एल एज अ सिंबल लिखते हैं।
तो ये तमाम ऐसे यूनिट हैं, जैसे कि अगर मेरे पास एक लेंथ है 2.4, तो लेंथ का यूनिट हमारे पास मीटर है। तो मैं ऐसा नहीं है कि पूरा ये लिखूँ MET RE मीटर, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में एम एज एम लिख सकते हैं। और जैसा कि टेम्परेचर है T = 98, फॉरन हाइट है तो आप फॉरन हाइट में, डिग्री सेल्सियस में तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ये फिक्स क्वांटिटीज़ हैं जो ओवरऑल ऑल ओवर दैट कैन बी यूज। आई होप यू हैव टोटली अंडरस्टैंड दैट हाउ यू कैन मेजर एनीथिंग एंड व्हाट आर द साइंस एंड साइंस प्रोसेस स्किल्स, व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज एंड वेयर एज वी कैन यूज द टेम्परेचर एंड मीटर रूलर। These are the things that are used in the physical quantities and the system of international units. So if you have any problem, you can ask in the further video. Jazakallah khair.